हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल, आरडी शर्मा, क्लास 9, एक्सरसाइज 6.4। पिछली बार जो हम वीडियो लेकर आए थे वो क्वेश्चन नंबर 13 तक थी। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 14 से आगे स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमें ए की वैल्यू भी निकालनी है और बी की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है? ये चीज क्लियर है यहाँ तक? हमें ए और बी निकालना है। इफ एक्स माइनस फोर, बच्चों हमारे को ये वाला पॉलीनोमियल दे रखा है, बोला हुआ है ये जो पॉलीनोमियल है ना बच्चों एक्स माइनस फोर, ये फैक्टर है इस वाले पॉलीनोमियल। आप लोग सभी जानते हैं अगर वाकई में ये वाला पॉलीनोमियल इसका फैक्टर है तो मैं इन्हें डिवाइड करूंगा, आपको पता है नीचे रिमाइंडर में क्या आएगा, जीरो। और अगर जीरो नहीं आया तो भी मैं उसे जीरो के बराबर लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है x माइनस फोर ये जो पॉलीनोमियल है वो इस वाले पॉलीनोमियल का फैक्टर है, ठीक है? तो चलिए मैं काम करता हूँ इनका रिमाइंडर ढूंढते हैं, ठीक है? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग बाय रिमाइंडर थ्योरम। इस क्वेश्चन को मैं रिमाइंडर थ्योरम से करूंगा, मैं नॉर्मली डिवाइड नहीं कर रहा, मैं रिमाइंडर थ्योरम से कर रहा हूँ। रिमाइंडर थ्योरम में जो डिवाइजर होता है उसे जीरो के बराबर मानते हैं। लेट एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू, मान लिया, देखो ये हमारा डिवाइजर है, आपने इसको जीरो के बराबर मान लिया। ये जो इधर माइनस का फोर है उधर जाके बच्चों हो जाएगा प्लस का फोर, देखो माइनस का था ना प्लस का हो गया, स्क्वायर बन जाएगा इधर जाके रूट बन गया। अब बेटा अच्छा सॉरी एक मिनट, फोर होगा ना बेटा, एक चीज याद रखना, अब ये जो रूट में फोर है ना यहां से दो वैल्यूज बाहर आएगी, याद रखना रूट फोर में से दो वैल्यूज बाहर आएगी। कैसे? सबको पता होगा सर यहां से तो टू बाहर आएगा ना बेटा, एक टू प्लस का आएगा एक टू माइनस का आएगा। याद रखना रूट में से जो भी वैल्यू बाहर आती है ना वो प्लस की भी आ सकती है माइनस की भी आ सकती है, इस चीज को अपने दिमाग में रखना। देखो कैसे मैं रूट फोर को ऐसे लिख रहा हूं, जैसे टू इंटू टू, इनको सॉल्व करके रूट फोर आ जाएगा। अगर इसमें से कॉमन लोगे तो प्लस का टू बाहर आ गया, लेकिन मैं रूट फोर को ऐसे भी तो लिख सकता था माइनस टू इंटू माइनस टू, इन दोनों को भी सॉल्व करके प्लस का ही फोर आ रहा है और यहां से कॉमन लूंगा तो माइनस का टू आएगा। तो रूट में से जो भी वैल्यू बाहर आएगी वो प्लस की भी आएगी और माइनस की भी, ये चीज आप लोग अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है? तो चलो अब यहाँ पे तो दो वैल्यू, एक प्लस की भी एक माइनस की भी है, तो दो बार बैठाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो x की वैल्यू निकली है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है जो भी x की आपकी वैल्यू निकली है आप उसे डिविडेंड में बैठाओ। तो मैं डिविडेंड लिखता हूँ, पॉलीनोमियल x इज इक्वल टू ए एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और माइनस फोर। देख सकते हो बच्चों ये डिविडेंड वाला पॉलीनोमियल है। अब हम इस वैल्यू को अपने डिविडेंड वाले पॉलीनोमियल पे बिठाएंगे, ठीक है? चलिए जहां पर भी x होगा वहां पर क्या बिठा देंगे, 2। अब प्रॉब्लम सर प्लस का 2 बेटा है माइनस का, तो पहले प्लस का बिठा लेते हैं फिर दोबारा करके माइनस का बिठा लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि अब यहां पर दो वैल्यूज है तो दो बार तो बिठाना ही पड़ेगा। जहां पर x है वहां पर मैंने 2 लगाता हूं, चलो जहां जहां x है वहां वहां 2। आप बच्चों देख सकते हैं जहां जहां भी x था वहां वहां मैंने क्या लगा दिया बच्चों, 2 लगा दिया, देख लीजिए, ठीक है? अब चलो इन्हें सॉल्व करते हैं। 16, 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब 8, 2 की पावर 2 है मतलब 4, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 2 भी। एक वेरिएबल और नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर पहले आता है वेरिएबल बाद में। 16 और ये माइनस का 12 और यहाँ आ गया प्लस का 2 भी और यहाँ आ गया माइनस का 4। चलो देखते हैं सॉल्व क्या हो रहा है, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, देखो 16 8, इनको सॉल्व किया 16 से 12 गया प्लस का 4, फिर ये आ गया, इनको सॉल्व किया ये आ गया फिर प्लस का 2 भी और माइनस का 4। अगर आप देखोगे ये हमारा प्लस का 4 है ये माइनस का 4 है, कट गया, नीचे आ रहा है 16 8 और ये बचा प्लस का 2। इसका मतलब अगर मैं अपने इस वाले पॉलीनोमियल को इस वाले से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर ये आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला था ये फैक्टर है। अगर वाकई में ये फैक्टर है तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा।
ये वाला पार्ट जो होगा हमारा रिमाइंडर है वो जीरो के बराबर होगा ना। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ लिख लेता हूँ 16a प्लस 2b, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा, जीरो के बराबर। बेटा रिमाइंडर थ्योरम हमें सिर्फ ये बताती है कि अगर आप इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो निकाल के दिखाओगे। और ये रिमाइंडर मैंने जीरो के बराबर क्यों लिया, मैं वन के बराबर, थ्री के बराबर, सिक्स के बराबर, किसी के भी ले सकता था। बेटा उसने फैक्टर बोला है, जैसे मैं बोल रहा हूँ टू फैक्टर है एट का, और आप सबको पता है एट का फैक्टर है, वाकई में टू जो है फैक्टर है एट का। आप डिवाइड करके देख लो रिमाइंडर क्या बचता है, टू फोर जा एट। अगर वाकई में कोई फैक्टर होता है तो रिमाइंडर में क्या आता है, जीरो। अगर वाकई में एक्स माइनस फोर एक फैक्टर है तो इसे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर सिर्फ जीरो ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। चलिए आपको पता है इसीलिए जो रिमाइंडर आया मैंने उसे जीरो के बराबर मान लिया, ये हमारी पहली इक्वेशन है। ठीक है, आपको पता है यहां पर दो वेरिएबल है, मैं ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकता, हमारे पास एक इक्वेशन और होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना बच्चों, मैं दोबारा से अपने पॉलिनोमियल को उतार रहा हूं, मैंने उतार दिया। पहले तो मैंने x की वैल्यू प्लस की टू बिठाई थी, अब बच्चों यहां पर माइनस की टू बिठाऊंगा। दिख गया, जहां जहां पर x होगा वहां वहां माइनस का टू बिठाऊंगा, टू माइनस के टू की पावर थ्री, माइनस का थ्री, फिर माइनस के टू की पावर टू, प्लस का b, माइनस का टू माइनस फोर। ठीक है, चलिए करते हैं इसे आगे सॉल्व। आपको पता है 2 को अगर 4 में मल्टीप्लाई करूंगा 16 आएगा, माइनस का साइन बच्चों हट जाएगा क्योंकि जो हमारी पावर है ना वो इवन है। यहां पर 2 की पावर 3 8 होता है लेकिन माइनस का साइन रहेगा, बच्चों यहां पर पावर हमारी ऑड है, ये भी सेम ऐसे हो जाएगा। यहां पर हमारा देखो पावर हमारी इवन है इसलिए माइनस का जो साइन था वो हटा दिया। इनको सॉल्व करोगे माइनस का 2b, b को 2 से करोगे 2b आएगा, प्लस माइनस माइनस। चलो आगे बढ़ते हैं, 16a माइनस का 16 माइनस का 12 माइनस का 2b और माइनस का, ठीक है ओके। 16a अगर मैं इन दो को सॉल्व करूँ तो आ रहा है माइनस का 28 माइनस का 2b माइनस का 4। 16a इसको इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको और इसको, माइनस का 32 माइनस का 2। यहाँ पर रिमाइंडर ये आ रहा है, ठीक है। तो भाई ये रिमाइंडर भी जीरो के बराबर ही होगा क्योंकि ये वाला फैक्टर बोला है ना, तो जो भी रिमाइंडर यहाँ पर, दो ऑप्शन क्यों आए हैं, क्योंकि रूट में से जो भी वैल्यू उस बार निकलती है एक प्लस की थी एक माइनस की। जब मैंने प्लस के टू को बिठाया तो रिमाइंडर ये दिखा रहा था, और जब मैंने माइनस के टू को दिखाया तो ये रिमाइंडर दिखा रहा था। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, 16a माइनस का 32 माइनस का 2b, ये रिमाइंडर भी जीरो के बराबर होगा। आपको पता है माइनस का 32 अगर जाके प्लस का हो जाएगा, इसको ये बिना वेरिएबल वाला है इसको वही भेज दो, देखो प्लस का हो गया। ये बन गई बच्चों हमारी दूसरी इक्वेशन। बच्चों अभी तक मैंने ए और बी नहीं निकाला है आप लोगों को, बस खाली यहां पर एक नई चीज क्या देखने को मिली है, हमारी यहां से जो वैल्यू आती थी वो सिर्फ एक होती थी, तो एक ही बार बिठाते थे रिमाइंडर निकालते थे। अब यहां पर दो वैल्यू है, ठीक है, याद रखना रूट में से जो भी वैल्यू बाहर आती है वो प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है, इसीलिए मैंने एक प्लस के एक माइनस के बिठाया और जो रिमाइंडर था उसे जीरो के बराबर माना, बिकॉज ये फैक्टर है डिवाइड करके जीरो ही लेकर आएगा। ठीक है, तो प्लीज बच्चों आप उतार लीजिए, अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा इन दो इक्वेशंस को लेकर। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। मैं अब आपको ना एक तरीका बताऊंगा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का। बच्चों जब भी आपके पास देखो एक इक्वेशन ये रही और दो इक्वेशन ये रही, ये वैसे टेंथ का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन इन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, बट आप लोग भी कर सकते हैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। बेटा ऊपर वाली इक्वेशन को देखो और नीचे वाली इक्वेशन को देखो, ए वाला का ए के नीचे रखा, बी वाले को बी के नीचे, कॉन्स्टेंट टर्म को कॉन्स्टेंट के नीचे। आपको लग रहा है कोई सेम है, आप बोलोगे सर ए वाला भी सेम है और बी वाला भी सेम है ना, ऐसे में आप पता है क्या कर सकते हो, सिंपल मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। हम क्या करते हैं इन इक्वेशंस में नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर भी किसी ना किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर भी किसी ना किसी नंबर को, जैसे कि मेरे को यह देखना है, इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं।
आप ये देखो कि कौन से वाले टर्म को सेम करना चाहोगे, ए की टर्म को या बी की। पता है यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये पहले से ही सेम है, एकदम सेम है, लेकिन देखो बी वाली टर्म सेम नहीं है, ये प्लस का टू बी है और ये माइनस का टू बी है। मैं तो इस वाली टर्म को सेम करना चाहूंगा और ये तो पहले से ही सेम है, लेकिन मुझे फिर भी इधर एक नंबर मल्टीप्लाई करना है। अब आप लोग भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि ये जो ए वाली टर्म है ये और ये एकदम सेम है, लेकिन मुझे इसमें नंबर मल्टीप्लाई करना है और कोई बदलना नहीं चाहिए, मतलब ये सेम ही रहे। तो मैं काम करता हूँ, पहली इक्वेशन को भी 1 से मल्टीप्लाई और दूसरी इक्वेशन को भी 1 से, 1 से कुछ नहीं बदलता, बदलता है जब 1 से मैंने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा, 1 को 16 ए से करा आया 16, 1 को प्लस के 2b से करा आया प्लस का 2b इक्वल, 1 को 0 से करा आया 0, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा, नीचे वाला भी सेम 1 से ही हो रहा है, 16 ए माइनस का 2b और ये आ गया 32। बेटा अब जो नीचे वाली इक्वेशन होगी उसके साइन चेंज हो जाते हैं, देखो ध्यान से, यहां पर ये प्लस का था और ये हो गया माइनस, ये माइनस का था हो गया प्लस, ये भी प्लस का था अब हो गया माइनस, नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। देखो 16 है प्लस का, 16 है माइनस का, ये तो कैंसिल होगा, इसको सॉल्व करोगे 4b आएगा और इसको देखोगे तो माइनस का 32, यहां पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये दोनों 4 के टेबल से कटेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, आंसर आ गया माइनस 8, हमारा b आ गया बच्चों, हमारा b आ गया है माइनस 8, लेकिन अभी a नहीं निकला बच्चों। अगर आपको a भी देखना है तो ध्यान से देखो, मैं इस वैल्यू को इस पे भी बैठा सकता हूँ, इस पे भी, किसी पे भी बैठा सकता हूँ, पुट दिस इन, मैं इक्वेशन पहली पे बैठाऊंगा इसे, इस b इज इक्वल टू माइनस 8 को पहली इक्वेशन पे बैठा रहा हूँ और मैं आपको पहली इक्वेशन उतार देता हूँ, 16a प्लस का 2b इज इक्वल टू 0, ये लो उतार ली पहली इक्वेशन, लिख गई। अब जहां पर भी b होगा वहां पर माइनस 8 बैठाऊंगा, माइनस का 16, ये माइनस का 16 उधर जाके प्लस का 16 हो जाएगा, देख लो 16 जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड मतलब dr पे आ जाना और आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, कट कुट के आंसर आ जाएगा 1। तो बच्चों a भी आ गया हमारा 1, लो आप देख सकते हैं मैंने b माइनस 8 और a को 1 निकाल दिया। ये बेटा एलिमिनेशन मेथड होता है, एलिमिनेशन में एक बार फिर से बताता हूँ, थोड़ा गौर से सुनना, जो हमारी इक्वेशन होती है हम उसमें कुछ ना कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पहली इक्वेशन में भी मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी इक्वेशन में भी मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके या तो ये इस वाले वेरिएबल की टर्म को सेम करते हैं या तो इस वाले वेरिएबल की टर्म को एकदम सेम करते हैं, एकदम सेम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली आपको पता है यहाँ पर पहले से ही सेम था ये वाला, तो मैंने यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करा 1 से ताकि चेंज ना हो, ठीक है, ऐसे करना होता नीचे वालों के साइन चेंज होता अपने आप सॉल्व हो जाता, बड़ा आसान है। अब दोबारा ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो और इसी से करेंगे एलिमिनेशन से, तब तक आप इसे उतार लीजिए बच्चों, हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आ गया हमारा, देखते हैं बेटा ये क्या कह रहा है, फाइंड अल्फा एंड बीटा, इसे अल्फा कहते हैं ए नहीं है और इसे बीटा कहते हैं बी नहीं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा हमें निकालने हैं, ठीक है, दोबारा पहले वाले क्वेश्चन में ए और बी निकालना था, यहां पर अल्फा और बीटा निकालना है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, अगर इफ का मतलब होता है अगर हमारा ये वाला पॉलिनोमियल और ये वाला पॉलिनोमियल दोनों फैक्टर है इस वाले पॉलिनोमियल के, मतलब कि अगर मैं इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूं रिमाइंडर क्या आएगा जीरो, अगर मैं इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूं रिमाइंडर इसमें भी क्या आएगा जीरो, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स है, ठीक है, लेकिन मैं ना रिमाइंडर निकालने के लिए डिवाइड नहीं करूंगा, सिंपल तरीका है रिमाइंडर थ्योरम, मैं वो यूज करूंगा बाय रिमाइंडर थ्योरम, पहले हम इस वाले को और इस वाले को ले लें, ठीक है बच्चों, ये है डिवाइजर, तो आपको पता है हम डिवाइजर को जीरो के बराबर मानते हैं, ठीक है, ऐसा करने से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाती है आगे माइनस वन, ये इधर प्लस का वन था उधर जाके माइनस का हो गया। अब इस वैल्यू को अपने डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल पे बिठाएंगे, पॉलिनोमियल एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 3x² माइनस का 2α(x) प्लस का बीटा, ठीक है बच्चों। अब ये जो x की वैल्यू है हम इसे इसमें बिठाएंगे और जो भी निकलेगा वो रिमाइंडर होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं या तो वो जीरो होगा
या तो जीरो के बराबर रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये फैक्टर है उसका, है ना, डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा, जीरो ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना। जहां पर भी एक्स होगा वहां पर क्या बैठेंगे बच्चों, माइनस वन, क्लियर है, माइनस वन बिठा देंगे, एक्स की पावर क्यूब माइनस वन की पावर प्लस थ्री माइनस वन की पावर माइनस टू अल्फा एक्स है तो माइनस वन प्लस। देखो बच्चों जहां जहां एक्स है वहां मैंने माइनस वन बैठा दिया, देखते रहिए, जहां जहां एक्स है वहां मैंने माइनस वन बैठा दिया, माइनस वन का क्यूब, वन को अगर तीन बार मल्टीप्लाई करोगे वन आएगा, लेकिन माइनस का साइन रहेगा क्योंकि पावर यहां पर क्या है बच्चों, ऑड है। यहां पर वन को सॉल्व करोगे दो बार, वन को अगर हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आएगा और माइनस का साइन हट जाएगा, पावर इवन है, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस टू अल्फा, देखो टू को अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे टू अल्फा, टू अल्फा को वन से करोगे सेम ही आएगा, माइनस वन प्लस 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 थ्री वन जा थ्री, इन दोनों को सॉल्व करोगे आएगा टू प्लस टू अल्फा और ये आ गया बीटा। बच्चों अभी आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये नंबर जो है वो अल्फा वेरिएबल के साथ है और यहां ये बीटा है, सब अलग अलग है, एकदम अलग अलग कैटेगरी के, सॉल्व नहीं हो पाएंगे। मैंने बोला था ये फैक्टर है इस वाले पॉलिनोमियल का, तो रिमाइंडर जीरो के बराबर आना चाहिए ना, टू प्लस टू अल्फा प्लस बीटा, हमारा ये जो रिमाइंडर आया वो जीरो के बराबर होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि आपको जानते होगे आप कि ये जो है वो हमारा ये वाला जो था पॉलिनोमियल वो फैक्टर है इस वाले का, तो भाई रिमाइंडर थ्योरम से जो रिमाइंडर निकलेगा वो जीरो के बराबर है, ये प्लस का टू उधर जाके हो जाएगा माइनस का टू, कॉन्स्टेंट टर्म को उधर भेज सकते। और बच्चों ये बननी हमारी पहली इक्वेशन, आप देख सकते हैं पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये रही हमारी पहली इक्वेशन। अब हम आगे चलते हैं अगला केस कर, ठीक है बच्चों, अब x प्लस वन की जगह पर x प्लस टू ले रहे हैं, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि ये भी तो फैक्टर है, सेम रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, लेट ये है डिवाइजर, इस बार इन दोनों में डिवाइजर कौन है, ये डिवाइजर को मान लेते हैं जीरो के बराबर, यही करते हैं हम लोग। अब ये प्लस का टू है उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का टू। अब इसको अपने इस वाले पॉलिनोमियल पे बिठाएंगे, चलिए बिठाते हैं x क्यूब प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टू अल्फा x और प्लस का बीटा, जहां पर भी x होगा बच्चों वहां पर माइनस का टू बिठा दिया जाएगा, माइनस के टू की पावर टू माइनस टू अल्फा माइनस का टू प्लस बीटा, ठीक है बच्चों, जहां जहां x था वहां वहां मैंने माइनस का टू बिठा दिया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, टू को अगर तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे एट आएगा, यहां पर पावर ऑड है तो माइनस का साइन रहेगा, फिर प्लस का थ्री, टू को अगर दो बार मल्टीप्लाई करेंगे फोर आएगा और माइनस का साइन हट जाएगा क्योंकि पावर मेरी इवन है, इनको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, टू को अल्फा से करेंगे टू अल्फा, टू अल्फा को टू से करेंगे तो फोर अल्फा आ गया, प्लस 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 थ्री फोर जा ट्वेल्व, फोर अल्फा प्लस बीटा, बेटा इन्हें सॉल्व करोगे आएगा प्लस का फोर अल्फा और प्लस का बीटा, ठीक है। अब आपको पता है अगर मैं इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूंगा तो ये फैक्टर है ना, बोला है क्वेश्चन ने फैक्टर है, तो अगर ये फैक्टर है तो आपको पता है रिमाइंडर जीरो के बराबर रहेगा, ये पूरा का पूरा रिमाइंडर जो है वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। यहां पर ये प्लस का फोर है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। बच्चों यहां से आगे बहुत सिंपल है, आप लोग तब तक इसे उतार लीजिए, देखिए इसको भी फैक्टर बोला था, इसको भी फैक्टर था, मैंने रिमाइंडर थ्योरम से अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये रिमाइंडर आएगा वो जीरो के बराबर माना जाएगा, क्योंकि क्या ये, क्योंकि ये एक फैक्टर है, अगर इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर जीरो के बराबर आएगा क्योंकि ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। ऐसा करके मैंने यहां पर दो इक्वेशन बना ली, आप लोग उतार लीजिए, थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे।
बच्चों आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों इक्वेशन उतार लिया ऐसे, ठीक है। ये पहली इक्वेशन थी इधर वाली और ये दूसरी इक्वेशन थी इधर वाली, उतार दी। मैंने आपको बोला था मैं इन्हें एलिमिनेशन से करूंगा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, लिख भी देता हूं बाय एलिमिनेशन मेथड। बेटा एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन कहता है या तो इस वाले वेरिएबल को एकदम सेम कर लो इस वाली टर्म को, या तो इस वाली टर्म को सेम। देखो ये टर्म तो पहले से ही सेम है, प्लस का भी और प्लस का भी, हमें तो सेम सेम ही मिल रही है। तो बच्चों हमें लेकिन फिर भी इन्हें किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना ही करना है, तो हम वन से करेंगे। हमारा किसी एक वेरिएबल की टर्म को सेम करना होता है, या तो इसको सेम कर लो या तो इसको, किसी भी एक को। मैं देखो इसे नहीं कर रहा, इस बार ये मेरी सेम है पहले से ही, तो मैं वन से मल्टीप्लाई करता हूँ। सिंपल, पहले से जब सेम मिला है तो बहुत अच्छी बात है ना। लेट सपोज ये नहीं होती, लेट सपोज ऐसा ले लेते हैं एक बार बता देता हूँ। अब आपको पता है ना तो ये वाली टर्म सेम है ना तो ये वाली टर्म सेम है, तो बताओ अब इसे सेम किसको करना चाहोगे, अल्फा वालों को करूँ या बीटा वालों को करूँ? अल्फा वाले ले लूँ। चलो बच्चे कह रहे जैसे कि सर इसे सेम कर दीजिए, ठीक है, मान लीजिए अल्फा वालों को सेम करना है। अगर अल्फा वालों को सेम करना है यार, मुझे इधर मैं कह रहा हूँ इसे अगर टू से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फोर हो जाएगा, फोर अल्फा। और इसको मैं किसी से नहीं करूंगा क्योंकि अगर इसे करा तो ये बदल जाएगा, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा वन से करते। अगर इस इक्वेशन को वन से करेंगे यहाँ फोर अल्फा रहेगा, इस पूरी इक्वेशन को टू से करेंगे तो यहाँ पर भी फोर अल्फा आ जाएगा, सेम हो गए। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, जब होगा तब और अच्छे से बताया जाएगा। मैंने दोनों इक्वेशन को वन वन से मल्टीप्लाई करा और ये वाली टर्म पूरी सेम है, देखो प्लस का बीटा प्लस का बीटा। वन को इस पूरी इक्वेशन से करेंगे सेम आएगा टू अल्फा, वन को करेंगे प्लस के बीटा से प्लस का बीटा, वन को करेंगे माइनस टू से आ गया माइनस टू, सेम यहाँ पर वन को सबसे करेंगे फोर अल्फा प्लस का बीटा और माइनस का प्लस। एलिमिनेशन कहता है कि नीचे वालों के साइन कर दो चेंज, ये प्लस का है माइनस हो, ये प्लस का है माइनस, ये माइनस का है प्लस, ठीक है। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का टू अल्फा आ गया, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, प्लस का बीटा माइनस का बीटा हो गया कैंसिल, यहाँ पर आ गया टू, ठीक है भाई, पॉजिटिव टू आएगा यहाँ पर, ये प्लस का फोर है और ये माइनस का, ये साइन नहीं देखेंगे आप। माइनस का टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, डिवाइड मतलब नीचे आ जाना। याद रखना डी आर पे कभी नेगेटिव साइन नहीं रहता, ये साइन कहाँ चले जाता है ऊपर। अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे नीचे वन की तो कोई वैल्यू नहीं, अल्फा आ गया माइनस वन, लिख देता हूं मैं यहां पर, अब इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट किसी में भी बिठा सकते हैं, ये जो मेरी वैल्यू आ गई ना, आप चाहो तो इसे पहली इक्वेशन पे बिठाओ या दूसरी पे, किसी पे बिठाओ, मैं पहली पे बिठा रहा हूं। तो पहली इक्वेशन उतार के लिखा, ये देखो बच्चों पहली इक्वेशन 2 अल्फा प्लस बीटा, 10th में बेटा आपको ये करना है, इसके ऊपर एक चैप्टर है, ये दो इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब आपको पता है अल्फा यहाँ पर क्या है, माइनस वन है, तो जहां पर भी अल्फा लिखेगा वहां पर माइनस वन बिठा देंगे। बच्चों यहां पर अल्फा लिखा माइनस वन बिठा दिया, प्लस माइनस माइनस टू वन जार टू, यहां पर ये माइनस का टू अगर जाके हो जाएगा प्लस का टू, ये तो आ गया जीरो, तो बच्चों बीटा आ गया जीरो। तो देखो मैंने अल्फा और बीटा दोनों निकाल दिए, आप लोग देख सकते हैं अल्फा आया है मेरा माइनस वन और बीटा आया मेरा जीरो, ठीक है बच्चों। देखो सिंपल था, दो इक्वेशंस बनी, इक्वेशन को एलिमिनेशन से करा। एलिमिनेशन में या तो इस वाले वेरिएबल की टर्म को सेम करना होता है या तो इस वाले वेरिएबल की टर्म को सेम, यहां पर हमें टर्म पहले से सेम मिली थी, इसीलिए मैंने इनको वन वन से मल्टीप्लाई करा ताकि ये बदले ना, बदल जाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा ना। तो प्लीज बच्चों आप लोग इसे उतार लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, दोबारा दो वेरिएबल निकालने हैं, ठीक है बच्चों। आपको यहां पर बोला है आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, अगर हमारा ये वाले पॉलिनोमियल को ये डिवाइड कर देता है। बेटा डिवाइड करने का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूंगा 10 डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब है 10 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, जीरो।
डिवाइड करने का मतलब यही तो होता है, हम क्या बोलते हैं डिवाइड हो गया कब, जब रिमाइंडर में पूरा कट के जीरो आ जाता है तभी तो बोलते हैं डिवाइड हो गया। मान लो यहाँ पर वन या टू या थ्री बसता, हम बोलते नहीं होना डिवाइड, हम ऐसे ही तो बोलते हैं, डिवाइड करते हैं ना चेक करने के लिए। तो वो कह रहा है कि ये वाला पार्ट जो है वो इससे डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल बाय, डिविजिबल मतलब ये हो जाता है डिवाइड, मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा। मैं एक और तरीके से बोल सकता हूँ फैक्टर, क्योंकि डिवाइड कर रहा है तो फैक्टर है, जाहिर सी बात है। तो हम एक काम करते हैं, सेम वही करेंगे, लेट रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हमारा जो डिवाइजर है, यही है डिवाइजर, इसको हम क्या करेंगे जीरो के बराबर मानेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। देखो वो रहा डिवाइजर, डिवाइजर को जीरो के बराबर माना, ये माइनस है उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस, स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा बच्चों, रूट बनेगा। अब इस रूट वन में से बाहर आएगा वन, क्या आएगा वन बार, लेकिन वो वन जो होगा वो प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा बच्चों। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि रूट में से जो वैल्यू आती है याद रखना वो प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, पहले प्लस की वैल्यू को इसमें बिठाते हैं फिर माइनस की वैल्यू को बिठाते हैं। मैं दो जगह बांट देता हूँ, पॉलीनोमियल x, x की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का क्यूब। यहां पर तो मैं x की जगह पर प्लस का 1 बिठा देता हूं, ठीक है। हम इसकी वैल्यू को बिठाते हैं ना पॉलीनोमियल पे, यहां पर अब दो वैल्यू, एक तो प्लस का 1 है, एक तो आपका प्लस का 1 है और एक माइनस का 1 है, दोनों को बिठाऊंगा मैं एक-एक करके। पहले प्लस का 1 बिठा दिया, जहां जहां x है वहां वहां 1 लगाऊंगा, वो भी प्लस का। आप देख सकते हैं बच्चों जहां जहां x है वहां वहां मैंने प्लस का 1 लगा दिया, ठीक है। लो अब सॉल्व करते हैं, वन को चार बार करेंगे वन ही आएगा, वन को तीन बार करेंगे वन आएगा, वन को दो बार भी करेंगे तो भी वन आएगा, और ये थ्री वन सा थ्री हो गया, वन पी वन सा पी, टू वन सा टू, माइनस का थ्री प्लस का। बच्चों एक बार सॉल्व करते हैं, हम इन्हें ए नंबर दिख रहे हैं, इन्हें सॉल्व करोगे वन प्लस पी, और ये आ गया माइनस वन, फिर प्लस की, वन आ गया पी आ गया, इनको सॉल्व करके माइनस वन आया प्लस का, देखो प्लस का वन माइनस का वन कैंसिल, देख सकते हो आ गया पी, एक तो प्लस का पी बचा और एक प्लस का क्यू बचा। यार मुझे तो बोला गया था वो डिवाइड कर देता है, अगर वो डिवाइड कर देता है तो ये रिमाइंडर आया ना, रिमाइंडर तो निकाल लो रिमाइंडर थ्योरम से, तो ये रिमाइंडर किसके बराबर माना जाएगा, जीरो के बराबर। और ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई पहली। अब दूसरी इक्वेशन यहां से बन जाएगी, बनाते हैं, चलो दोबारा उतारते हैं पॉलीनोमियल को अपने, x की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस की। पहले तो हमने प्लस के वन को इस पे पुट किया, अब माइनस के वन को पुट करेंगे, माइनस के वन की पावर 4 प्लस पी माइनस वन की पावर 3 प्लस टू माइनस वन की पावर 2 माइनस थ्री माइनस वन। बच्चों देख सकते हो जहां जहां एक्स है वहां माइनस वन पुट कर दिया मैंने, ठीक है। वन को चार बार करोगे वन आएगा और माइनस का साइन हट जाएगा, पावर हमारी इवन है। वन को तीन बार मल्टीप्लाई करोगे वन आएगा लेकिन साइन रहेगा माइनस का, पावर हमारी ऑड है। वन को दो बार मल्टीप्लाई करोगे वन ही आएगा, हमारी माइनस का साइन हट जाएगा, पावर हमारी इवन है, माइनस माइनस प्लस, थ्री वन जा थ्री। पी को वन से करोगे पी आएगा, प्लस माइनस माइनस, भाई इन दोनों को जोड़ोगे तीन और दो पांच, पांच में से एक जो एक को और जोड़ोगे आएगा छह, ठीक है। देखो तीन और दो को जोड़ोगे पांच, पांच और एक को जोड़ोगे छह, माइनस का पी ऐसे प्लस का क्यू इधर आ गया ऐसे। हमें पता है कि यार वो डिवाइड कर देता है, मतलब वो डिवाइजर है, आप फैक्टर बोल सकते हो, तो रिमाइंडर तो हम जीरो के बराबर ही मानेंगे। ये रिमाइंडर आया ये भी जीरो के बराबर, ये प्लस का सिक्स है उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। देखो इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, बन गई दूसरी इक्वेशन। बच्चों मैं आगे सॉल्व करूंगा, तब तक आप इसे उतार दीजिए। बेटा आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों इक्वेशन उतार ली है, मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से करूंगा। एलिमिनेशन मेथड से या तो हमें इस वाली टर्म को सेम करना है या तो इस वाली टर्म को, देखो एक टर्म मुझे फिर दोबारा सेम मिल गई है, तो
तो मैं इसे भी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये बदले ना, और इसे भी 1 से ही करूंगा, ठीक है। 1 से अगर मैं इस पूरे को करूंगा तो p प्लस पूरी इक्वेशन एज इट इज उतर जाएगी। फिर 1 से इस वाले को करूंगा माइनस का p प्लस का q इक्वल टू माइनस का c। एलिमिनेशन मेथड कहता है नीचे वालों के साइन कर दो चेंज, ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये दोनों तो सॉल्व हो गए, 2p आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस का क्यू माइनस का क्यू, और ये आ गया 6। इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो बच्चों इसे काटेंगे 2 वनजा और 2 थ्रीजा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, p आ गया 3। पुट दिस वैल्यू, आपको इस वैल्यू को बैठाना है किसी भी इक्वेशन में, वैल्यू इन मैं पहली इक्वेशन में बैठा रहा हूं, ज्यादा आसान लग रही है, ठीक है। तो पहले तो मैं अपनी पहली इक्वेशन उतार लेता हूं, पहली इक्वेशन है p plus q is equal to 0, ये रही मेरी पहली इक्वेशन, देख लो बच्चों यही है पहली इक्वेशन। अब यहां पर p की जगह पर 3 बिठा देंगे, ये प्लस का 3 हो जाएगा कि किसका हो जाएगा माइनस का, आ गया लो 0 की कोई वैल्यू नहीं हटा दिया बच्चों, p भी निकाल लिया और q भी निकाल लिया, एक प्लस का 3 है और एक माइनस का 3 है, आप लोग देख सकते हैं बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे बच्चों, यही ट्रिक है, आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, दो वैल्यूज को निकालो। अगला क्वेश्चन भी है जो हमारा ए और बी को निकालो, फिर ए बी को निकालो, ए बी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसी है, तो बड़ा सिंपल है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कीजिएगा ताकि आप लोगों को पेपर में कोई दिक्कत ना हो अगर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको नेक्स्ट में आपको आपकी 10th क्लास में काफी काम आएगा। तो चलिए बच्चों अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, तब तक के लिए अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।